पहला एशिया कप खेला गया था 1984 में। इससे पहले ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की शुरुआत हुई थी 1983 में। ACC एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है एशिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्रिकेट को प्रमोट करना। अब ACC की एस्टैब्लिशमेंट के बाद पहला एशिया कप खेला गया 1984 में, जो कि खेला गया था शारजा UAE में। इस एशिया कप में थी सिर्फ 3 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, और मैचेस भी खेले गए थे सिर्फ 3। इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को बड़ी आसानी से हरा करके इस एशिया कप को जीता था। अगला एशिया कप खेला गया था 1986 में, जो कि होना था श्रीलंका में। अब इस टूर्नामेंट को इंडिया ने किया था बॉयकॉट, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेटिंग रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। और ऐसा हमें 1990-91 के एशिया कप में भी देखने को मिला था, जो कि इंडिया ने होस्ट किया था। कुछ खराब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान ने भी इंडिया वाले इस एशिया कप को बॉयकॉट किया था और इंडिया ट्रैवल नहीं करा था। एशिया कप को सबसे ज्यादा बार होस्ट करने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अब तक 5 बार एशिया कप को होस्ट करा है, 1998 में, साल 2000 में, 2012, 2014 और 2016 में। सरप्राइजिंगली इंडिया ने सिर्फ एक बार एशिया कप को होस्ट किया है, जो कि था 1990-91 में। अब देखो, जब से एशिया कप शुरू हुआ है तब से लेकर 2014 तक एशिया कप को ODI फॉर्मेट में खेला जाता था, बट साल 2016 में फर्स्ट टाइम एशिया कप खेला गया T20 फॉर्मेट में। और तब से एशिया कप एक बार ODI फॉर्मेट में और अगली बार T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। अब तक टोटल 15 एशिया कप खेले जा चुके हैं, 13 ODI फॉर्मेट में और 2 T20 फॉर्मेट में। एशिया कप की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है टीम इंडिया। इंडिया ने टोटल 7 एशिया कप जीते हैं, जिसमें से 6 थे ODI फॉर्मेट वाले और 1 था T20 फॉर्मेट वाला। सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम अगर हम देखते हैं एशिया कप में, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप को जीता है, 5 बार ODI फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशिया कप में कुछ खास रही नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार एशिया कप को जीता है, साल 2000 में और साल 2012 में। एशिया कप की बैट से बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो विराट कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 रन की इनिंग थी बेस्ट एशिया कप इनिंग, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इंडिया को चेस करना था 330 रन का टारगेट, और विराट कोहली ने बनाए थे इस मैच में 183 रन और इंडिया को जीत दिलवाई थी। विराट कोहली की ये 183 रन की इनिंग एशिया कप के एक मैच में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। एशिया कप की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अजंता मेंडिस की इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप 2008 के फाइनल में 13 रन दे के 6 विकेट लेने वाली परफॉर्मेंस बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। इस मैच में इनफॉर्म इंडियन बैटिंग लाइनअप को अजंता मेंडिस ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था, और अजंता मेंडिस की ये बॉलिंग परफॉर्मेंस एशिया कप की हिस्ट्री में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है। एशिया कप के ODI फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा रन एशिया कप की हिस्ट्री में श्रीलंका के सनत जयसूर्या ने बनाए हैं, जो कि हैं 1220 रन। जयसूर्या ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 6 सेंचुरीज भी बनाई हैं, और एशिया कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी सनत जयसूर्या हैं। एशिया कप 2008 में जयसूर्या ने बनाए थे 378 रन। एशिया कप में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर भी श्रीलंका के ही हैं, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा ने एशिया कप की हिस्ट्री में 8 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। एशिया कप के ODI फॉर्मेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं मुथैया मुरलीधरन। मुरलीधरन ने एशिया कप के 24 मैचेस में ली हैं 30 विकेटें। और अगर हम T20 फॉर्मेट भी इसमें ऐड कर देते हैं तो लसित मलिंगा बन जाते हैं एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर। मलिंगा ने टोटल एशिया कप में 33 विकेटें ली हैं। लसित मलिंगा एशिया कप में सबसे ज्यादा 3 बार 5 विकेट हॉल्स भी ले चुके हैं। एशिया कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं अजंता मेंडिस, जिन्होंने 2008 के एशिया कप में ली थी 17 विकेटें। एशिया कप की हिस्ट्री में बेस्ट विकेट कीपर्स हैं 36-36 डिसमिसल्स के साथ कुमार संगकारा और महेंद्र सिंह धोनी। और सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले प्लेयर हैं 15 कैचेस के साथ श्रीलंका के माहिला जयवर्धने। इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एशिया कप में है मिसबाउल हक। मिसबाउल हक ने एशिया कप के 10 मैच में कैप्टनसी करी है और 10 में से 7 मैच मिसबाउल हक जीते हैं। विनिंग परसेंटेज मिसबाउल हक का है 70%। तो ये थे कुछ शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एशिया कप। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर भी इस वीडियो को जरूर करें। फॉर सच मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स गुरुजी।